तो गैस अगर आप भी अपने लैपटॉप को पासवर्ड प्रोटेक्टेड बनाना चाहते हैं, यानी कि आप अपने लैपटॉप में पासवर्ड लगाना चाहते हैं ताकि आपके परमिशन से ही वो ओपन हो, तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने लैपटॉप में पासवर्ड कैसे लगा सकते हैं। तो आपको पासवर्ड लगाने के लिए सिंपली यहाँ पे विंडो वाला आइकन पर क्लिक करके यहाँ पे आपको सेटिंग वाले ऑप्शन में चले जाना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सबसे ऊपर आपको यूज़र नेम दिखेगा, उसके नीचे आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे जिसमें कि आपको सर्च करना है यहाँ पे पासवर्ड। तो यहाँ पे आपको सर्च बार दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, जहाँ पे लिखा है फाइंड इस सेटिंग, आपको यहाँ पे सर्च करना है यहाँ पे पासवर्ड। जैसे आप पासवर्ड लिखेंगे नीचे की साइड में आप देख रहे हैं कि आ गया है चेंज योर पासवर्ड। तो आपको क्या करना है, सिंपल यहाँ पे चेंज योर पासवर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इस पर क्लिक किया तो हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ गया। यहाँ पे देख सकते हैं लिखा है पासवर्ड। तो आपको पासवर्ड लगाने के लिए सिंपल यहाँ पे पासवर्ड वाला आइकन पे क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐड का ऑप्शन आ चुका है, आपको ऐड वाला ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आ गया है यहाँ पे क्रिएट ए पासवर्ड। तो आपको एक न्यू पासवर्ड यहाँ पे एंटर कर देना है। उसके बाद आप जो पासवर्ड ऊपर डाल रहे हैं वही नीचे आपको कंफर्म वाले में भी डालना है। जैसा आप इसमें डालेंगे उसके बाद यहाँ पे लिखा है पासवर्ड हिंट, तो यहाँ पे क्या करना है आपको हिंट डाल सकते हैं ताकि फ्यूचर में आपको जरूरत पड़े तो यहाँ पे आप हिंट से भी इसको खोल सकें। उसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लोकल अकाउंट जो है यहाँ पे आपका हो चुका है, क्रिएट पासवर्ड भी हो चुका है, आपको फिनिश कर देना है। नीचे के साइड में आपको दिखाई दे रहा है अब आपका जो है यहाँ पे पासवर्ड लग चुका है। चलिए फिर मैं आपको यहाँ पर रिस्टार्ट करके दिखा देता हूँ सिस्टम को। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो पासवर्ड लग चुका है। अब यहाँ पे मैं यहाँ पे जाता हूँ रिस्टार्ट वाले ऑप्शन पे और मैं इसको रिस्टार्ट कर लेता हूँ। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि रिस्टार्ट का ऑप्शन आ रहा है, तो आपको क्या करना है यहाँ पे रिस्टार्ट कर लेना। रिस्टार्ट जैसे ही करेंगे, रिस्टार्ट करते ही आपके सामने यहाँ पे जब आपका लैपटॉप ओपन होगा तो ओपन होने के बाद यहाँ पे आपसे पासवर्ड पूछेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा लैपटॉप रिस्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे जैसे मैंने एंटर मारा, एंटर मारते यहाँ पे आप देख सकते हैं यूज़र नेम नीचे पासवर्ड डालने के लिए आ रहा है। तो यहाँ पे आप पासवर्ड लगाने के लिए आप यही मेथड फॉलो करेंगे तो आपको यहाँ पे लैपटॉप में पासवर्ड लग जाएगा। तो गैस आज के इस वीडियो में आपको यही बताना था। तो गैस उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चले गैस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए जय हिंद।